स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल रमिंदर मैथ्स हब आई एम रमिंदर गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज टाइम पर मिलती रहें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नाइन को देख लेते हैं क्वेश्चन नाइन इज इफ क्यू जीरो वन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी फाइव माइनस थ्री एंड आर एक्स कॉमस एक्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑल्सो फाइंड द क्यू आर एंड पी आर हमें यहाँ पे एक पॉइंट Q गिवन है जो कि इक्वी डिस्टेंट है P और R पॉइंट से मीन्स इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से वो आपस में इक्वल है हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो R का कोऑर्डिनेट है ठीक है ऑल्सो फाइंड और बाद में हमें क्यू आर और पी आर को फाइंड आउट करना है ठीक है सो so, हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख देते हैं द पॉइंट क्यू इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी फाइव माइनस थ्री एंड x सॉरी uh, r x कॉमस सिक्स ठीक है तो ये जो q पॉइंट है ये आर ये जो p और r पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है इसका मतलब ये पी क्यू डिस्टेंस और ये क्यू आर डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होंगे ठीक है तो हम दोनों डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करके इक्वेट कर लेते हैं ठीक है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है सो वी वी आर गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इट इज़ गिवन टू अस क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से ठीक है तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो हम इन दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे ठीक है सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्र दैट इज डिफरेंस ऑफ एक्स कोर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वा रूट ठीक है तो हमें फॉर्मूलाइंड है सबसे पहले हम पी क्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं पी क्यू इज रूट ऑफ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दिस वी विल फाइंड यहां पर हम लिख देते हैं वी फाइंड पी क्यू एंड क्यू आर ठीक है और यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं एज पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर ये हम अभी नहीं लगा रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे यूज़ करेंगे पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर है तो पी क्यू का डिस्टेंस कैसे आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर अब यहाँ पे एक्स वन ये एक्स वन वन ले लेते हैं और ये एक्स टू ले टू लेते हैं ठीक है सो फाइव माइनस जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस वन होल स्क्वायर ठीक है ये हमारा हो गया पी क्यू अब क्यू आर की टर्न है यहाँ पे एक्स वन वाई वन अगेन क्यू को ले लेते हैं और आर को एक्स टू वाई टू सो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन होल स्क्वायर ठीक है अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं दिस इज फाइव माइनस जीरो फाइव होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस वन इज माइनस फोर होल स्क्वायर बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस और थ्री प्लस वन इज फोर साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस का साइन ठीक है इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस माइनस फाइव का स्क्वायर ठीक है ये हमने लिख दिया अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले कर देते हैं ताकि हमारे रूट्स का जो है वो काम खत्म हो जाए ठीक है so, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने पहले भी जो क्वेश्चंस किए हैं सेवन एट उसमें भी हमने स्क्ोयरिंग बहुत साइड्स किया था ताकि ये जो रूट है ये हमारी खत्म हो जाए क्योंकि ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है ठीक है सो फाइव स्क्वेयरिंग बहुत साइड्स करने पर यहाँ पे स्क्वायर किया तो रूट ख़त्म यहाँ पे किया होल स्क्वायर यहाँ पे भी रूट खत्म तो क्या बचा हमारे पास ओनली फाइव स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर ठीक है रूट हमारा खत्म हो गया ठीक है तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ फ़ाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन x का स्क्वायर एज एट एज फाइव का स्क्वायर अगेन ट्वेंटी फाइव ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम आ, पहले देख लेते हैं ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव दोनों साइड पे है विद द सेम साइन तो ये तो कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर कितना बचा हमारे पास ओनली सिक्सटीन तो यहाँ से एक्स कितना आएगा स्क्वायर उधर जाके क्या होता है रूट होता है और साथ में प्लस माइनस भी होता है ठीक है सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास प्लस माइनस ऑफ फोर बिकॉज रूट ऑफ सिक्सटीन इज़ फोर तो आप चाहे ऐसे फाइंड आउट करके देख लो तब भी हमारे पास फोर ही आएगा टू एट जिक्सटीन टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू सो so, यहाँ पे पेयरिंग हो गई टू और टू की तो टू इंटू टू इज़ फोर ठीक है तो रूट के बाहर वही नंबर आते हैं जिनकी पेयरिंग होती है दोनों की पेयरिंग हो गई टू की इस टू की भी तो ये टू इंटू टू फोर आ गया इसका आंसर ठीक है तो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास दो आई हैं दे आर फोर एक्स इज़ इक्वल टू तो फोर एंड माइनस फोर प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस का फोर और एक बार माइनस का फोर तो एक्स की वैल्यूज तो हमारी आ गई एक पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया अब हमें दूसरा पार्ट जो करना है वो है डिस्टेंसेज फाइंड आउट करने हैं क्यू आर एंड पी आर ना तो पहले हम एक्स की वैल्यू को फोर लेके चलेंगे और बाद में हम एक्स की वैल्यू को माइनस फोर के हिसाब से सॉल्व करेंगे दोनों डिस्टेंसेज को फाइंड आउट करने के लिए ठीक है सो इफ़ एक्स इज इक्वल टू फोर देन कौन सा डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था क्यू आर तो क्यू आर हमारे पास क्या था अगेन फिगर में अगर हम देखें तो इट वॉज़ फाइव माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर क्यू आर क्यू आर था हमारे पास एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर एंड सिक्स माइनस वन होल स्क्वायर ठीक है ये था हमारे पास क्यू आर एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर एंड सिक्स माइनस वन होल स्क्वायर ठीक है तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या बना हमारे पास x माइनस जीरो इज एक्स होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वाइन एस फाइव होल स्क्वायर तो x की वैल्यू अब हमें क्या यूज़ करनी है फोर यूज़ करनी है ठीक है सो फोर का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे और यहाँ पे फाइव का होल स्क्वायर अंडर दी रूट ये बन गया हमारे पास फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और ऐड करने के बाद ये बनेगा रूट ऑफ फोर्टी वन तो हमारे पास क्यू आर कितना बन गया रूट ऑफ फोर्टी वन ठीक है अब क्यू आर हो गया अब हमें पी आर भी फाइंड आउट करना है सो पी आर एस पी आर रूट ऑफ इट विल बी अगेन हम फिगर पे जाते हैं पी आर क्या था ये था हमारे पास पी आर ठीक है तो ये आएगा x माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस माइनस थ्री होल स्क्वायर ठीक है तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके x माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस माइनस थ्री होल स्क्वायर थ्री का अपना भी माइनस था और एक फॉर्मूला का माइनस था ठीक है तो इनको सॉल्व करके बनेगा हमारे पास x माइनस फाइव तो हम ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल और सिक्स माइनस माइनस प्लस थ्री हो गया होल स्क्वायर अब हम एक्स की वैल्यू फोर को यूज़ कर लेते हैं ठीक है सो एक्स माइनस फाइव एस फोर माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर बना फोर माइनस फाइव इज माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस थ्री इज नाइन होल स्क्वायर ठीक है तो ये बन गया हमारे पास वन माइनस वन का स्क्वायर इज वन और नाइन का स्क्वायर इज एटी वन तो एटी वन प्लस वन इज़ रूट ऑफ एटी टू ठीक है तो इसका हमारे पास आंसर कितना बना पी आर का रूट ऑफ़ एटी टू यूनिट्स ठीक है तो हमारे पास पी आर भी आ गया वो एक्स इज़ इक्वल टू फोर के लिए दोनों ही वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली क्यू आर और पी आर भी ठीक है तो अब हम एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर के लिए फाइंड uh, आउट करेंगे क्यू आर को और पी आर को क्यू आर इज़ अगेन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ही हुआ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर तो अगेन यहाँ पे दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर लिख दिया और एक्स की वैल्यू अब क्या डालनी हमें माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर तो ये बन गया हमारे पास माइनस फोर का स्क्वायर अगेन सिक्सटीन आएगा ठीक है माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव में आएगा प्लस फाइव का स्क्वायर इज अगेन ट्वेंटी फाइव दिस इज रूट ऑफ फोर्टी वन तुम्हारे पास क्यू आर की अगेन वैल्यू क्या बनी रूट ऑफ़ फोर्टी वन ठीक है अभी पी आर को भी फाइंड आउट कर लेते हैं पी आर इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम डायरेक्टली ये वाला यूज़ कर लेते हैं ठीक है हमने फाइंड आउट तो किया ही हुआ है एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर और अब एक्स की वैल्यू क्या डालनी है माइनस ऑफ फोर माइनस फोर माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस थ्री इसका नाइन का स्क्वायर आ गया ठीक है तो ये बन गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस फोर प्लस फाइव इज नाइन और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन ठीक है तो अब इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं स्क्वायर क्या आएगा इसका आएगा एटी वन अगेन और नाइन का भी एटी वन ठीक है तो ये बन गया हमारे पास एटी वन प्लस एटी वन इज़ वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू तो इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो एक शॉर्टकट भी है कि जैसे आपको पता है कि रूट जो एटी वन है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका स्क्वायर है नाइन का ठीक है तो आप नाइन को बाहर लिख दो तो एटी वन कितनी बार आया रूट में दो बार आया तो रूट में टू को लिख दो ठीक है अगर तीन बार आया होता तो रूट थ्री लिख देते ठीक है तो चाहे आप यहाँ से सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर लो दिस इज़ टू इंटू एट वन देन थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन थ्री इंटू नाइन देन थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू वन तो यहाँ से देखिए पेयरिंग हो रही है थ्री की और थ्री की तो दिस इज़ थ्री इंटू थ्री नाइन और रूट में क्या बचा टू क्योंकि उसकी पेयरिंग नहीं हुई ठीक है सो तो ये हमारे पास पी आर बन गया नाइन रूट फ़ाइन तो सारी वैल्यूज़ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने को बोला था वो भी हमने फाइंड आउट कर ली और डिस्टेंसेज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले थे वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए दो वैल्यूज़ के लिए ठीक so, है सो ये क्वेश्चन हमारा ओवर है क्वेश्चन नंबर नाइन अब हम क्वेश्चन नंबर टेन को देख लेते हैं क्वेश्चन टेन इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सर्च दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट थ्री कॉमा सिक्स एंड माइनस थ्री कॉमा फोर हमें यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है एक्स वाई जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है मतलब अगेन वही नाइन्थ क्वेश्चन की तरह ही है ये जो पॉइंट है ये इसका जो डिस्टेंस है इस और इस पॉइंट से ये दोनों आपस में इक्वल है और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा एक्स और वाई में ठीक है सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन नाउ दिस इज P x y एज लेट कर लिया मैंने इस पॉइंट को P विच इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्राम दीज टू पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स को A और B नाम दे दिया ठीक है so, सो अब हमें अगेन क्या गिवन है कि ए पी और पी बी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है ठीक है हम यहाँ पे लिख देते हैं एज पी ए इज इक्वल टू पी बी दिस इज़ गिवन टू अस ये हम गिवन में लिख देते हैं ठीक है थीके? तो ये दोनों अगर डिस्टेंसेज इक्वल हैं तो हमें डिस्टेंसेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या लिखेंगे वी विल फाइंड वी विल फाइंड ए पी एंड पी बी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज डिस्टेंस फार्मूला क्या था अगेन हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायेयर ठीक है तो अब दोनों को हम Uh, दोनों डिस्टेंसेस को हम फाइंड आउट करेंगे एज ए पी या पी ए इज़ इक्वल टू पी बी इसका मतलब ए पी का डिस्टेंस क्या आएगा ए पी के लिए देखिए इसको हम एक्स वन वाई वन लेट कर लेते हैं और इसको एक्स टू वाई टू ठीक है सो थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर सिक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी तो उसके लिए अगेन एक्स वन बाई वन एंड एक्स टू वाई टू माइनस थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई होल स्क्वायर ठीक है अब दोनों साइड्स पे फिर से रूट नज़र आ रहा है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब आपको रूट नज़र आ जाए और इक्वेशन बनी हो इस तरह से कोई इक्वल टू हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ठीक है सो so, स्क्रिंग बोथ साइड्स करने पर अगेन इसका स्क्वायर किया तो सारी रूट कैंसिल हो गई इसका स्क्वायर किया तो सारी रूट कैंसिल होगी क्या बचा हमारे पास थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड फोर माइनस वाई होल स्क्वायर ठीक है अब देखिए क्या करेंगे आइडेंटिटीज़ नज़र आ रही हैं वो हमें ओपन करनी पड़ेंगी ठीक है तो आइडेंटिटीज़ को ओपन करने के लिए आ, आपको पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर ठीक है यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ थ्री का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर करके लिख देते हैं दैट्स रॉन्ग यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है जब भी आपको दो अनलाइक टर्म्स का होल स्क्वायर नज़र आए अनलाइक है ना ये दोनों ये कॉन्स्टेंट है ये वेरिएबल है तो ये दोनों लाइक like टर्म्स तो नहीं है तो अनलाइक टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो उसका होल स्क्वायर हो तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ठीक है सो अब यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर इज नाइन प्लस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री इंटू एक्स दैट इज सिक्स एक्स ठीक है अब यहाँ पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज़ क्या आएगा सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स वाई का स्क्वायर वाई और माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है माइनस थ्री माइनस एक्स तो इस तरह की कोई आइडेंटिटी तो हमने नहीं पढ़ी लेकिन अगर हम इसका माइनस कॉमन कर लें ठीक है तो क्या बचेगा थ्री प्लस एक्स बचेगा और होल स्क्वायर था साथ में ठीक है यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन किया दोनों का माइनस हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा थ्री प्लस एक्स दोनों के साइन अपोजिट हो गए ठीक है और साथ में है फोर माइनस वाई होल स्क्वायर इसको हम बाद में ओपन कर लेते हैं अब देखिए होल स्क्वायेयर माइनस वन का होल स्क्वायर तो वन आएगा ठीक है और थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर सिर्फ हमें ओपन करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसका स्क्वायर किया दोनों का स्क्वायर आएगा ना दो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनका होल का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर हुआ तो ये प्लस का वन आ गया उसको हम छोड़ देते हैं नहीं लिखते है, थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमने इन्हें यहाँ पर लिख दिया और साथ में क्या है फोर माइनस वाई होल स्क्वायर ठीक है अब इनके स्क्वायर्स को ओपन करें थ्री का स्क्वायर यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी फाइन और यहाँ पे ए माइनस बी अगेन होल स्क्वायर की ठीक है तो यहाँ पे सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वाॅर माइनस एट वाई ठीक है और इधर हमारा क्या था नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई अब देखिए कोई ऐसी टर्म्स हैं दोनों साइड्स पे जो सेम है और विद सेम साइन है उनको हम कैंसिल कर देंगे ठीक so, है सो दिस इज़ नाइन देखिए नाइन और नाइन कट रहे हैं सेम साइन है और सेम नंबर है ठीक है एक्स स्क्र और एक्स स्क्र कट रहे हैं वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर जा रहा है और कोई नंबर और कोई नहीं है ठीक है अब क्या करते हैं सारी टर्म्स को एक साइड पे हम शिफ्ट कर देते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे माइनस सिक्स सिक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व वाई बचा ठीक है यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस का उधर जाके माइनस का सिक्स एक्स हो हो गया सिक्सटीन इधर प्लस का इधर जाके माइनस का सिक्सटीन हो गया एट वाई यहाँ पर माइनस का इधर आके प्लस का एट वाई हो गया इज इक्वल टू क्या बचा जीरो कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो बच गया फाइन अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स एक्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं सिक्स माइनस माइनस इज प्लस तो सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व एक्स और साथ में माइनस का साइन ठीक है ट्वेल्व वाई एंड एट वाई ये दोनों लाइक टर्म्स हैं दोनों के साथ वाई है प्लस माइनस इज माइनस ट्वेल्व माइनस एट इज फोर और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन ठीक है थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस माइनस थर्टी सिक्स सिक्सटीन माइनस हुआ तो ट्वेंटी साथ में प्लस का साइन बड़े का साइन इक्वल टू ज़ीरो अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस uh, ट्वेल्व ये जो सारे नंबर्स हैं ये फोर के मल्टीपल्स हैं ठीक है और साथ में ये माइनस का साइन अगर हम कॉमन कर लें और फोर को कॉमन कर ले तो देखिए क्या बचा माइनस का साइन भी कॉमन और फोर भी कॉमन तो क्या बचा यहाँ पे माइनस कॉमन गया तो प्लस का हो गया क्या आएगा यहाँ पे थ्री बिकॉज फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व देन माइनस का साइन कॉमन गया माइनस माइनस इज़ प्लस यहाँ पे साइन सारे साइन उल्टे हो जाते हैं जब हम माइनस को कॉमन करते हैं ठीक है सो so, uh, यहाँ पे बचा फोर वन ज़ा फोर ठीक है और यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया ठीक है तो क्योंकि माइनस कॉमन था अब फोर फाइव ज ट्वेंटी ठीक है अब ये माइनस फोर जो है दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगेन क्या आ रहा है ज़ीरो तो या तो फिर ये वाला नंबर ज़ीरो है या फिर ये वाला नंबर ज़ीरो है मैंने आपको बताया फाइव इंटू जीरो ही जीरो होता है या फिर ज़ीरो इंटू ज़ीरो जीरो होता है मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तभी आंसर में ज़ीरो आता है ना प्रोडक्ट में ठीक है या फिर दोनों ही जीरो हो तब भी मल्टीप्लाई करके ज़ीरो तो यहाँ पे कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब या तो फिर ये नंबर ज़ीरो है या फिर ये वाला सारा नंबर ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये माइनस फोर है इसका मतलब कौन सा नंबर ज़ीरो होगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज़ इक्ल टू ज़ीरो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन ठीक है एक्स और वाई में हमें रिलेशन ही फाइंड आउट करना था ना तो ये हमारा रिलेशन आ गया ठीक है विद दिस द क्वेश्चन नंबर टेन इज ओवर और साथ में एक्सरसाइज भी खत्म हो गई अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स